देखो भाव जी, आपको पूरा यकीन है क्या ऐसे फेस के साथ आप हीरोइन बन जाएंगी? अरे तुझे क्या मालूम ब्यूटी के बारे में? ऐसा फेस कट को ही आजकल मर्द लोग पसंद करता है। ऐसा 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 ही थोड़ी हमको गोंडा की चित्रांगदा सिंह कहते हैं सब। बहुत अच्छा है, कहते होंगे हम। अरे देखिए, हाँ हाँ, अंधी नहीं है, देख रहे हैं। देखिए क्या बड़े बड़े मेहमान आए। नमस्कार अनुराग जी। नमस्कार। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी, आदा। अभिकी जी, व्हाट इज अप? यो। उभरे हुए सितारों को हमारा नमस्कार। हम हैं उभरती हुई सितारा रिंकू देवी। एक बात बताओ, आपके नाक और माथे के अलावा कौन सा सितारा उभरा है आपका? क्या मतलब? ए, कपिल शर्मा का है ऐसे कटाक्ष, कटु शब्द का इस्तेमाल करते हैं आप। क्या ऐसा कर करके हमारा बहुमूल्य समय नष्ट करते हैं खामखा। हम अपनी तरफ से आपसे कहना चाहेंगे, चुप! अरे तू उभरती हुई सितारा की ननद है, ऐसा रोड साइड इंटरव्यूअर के ऊपर चुप हुई चिल्लाती अच्छी नहीं लगती है। शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, चुप रह। हो गए। देखो तो कितने लोग बैठे हैं, हाँ, हमको तो शर्म भी आ रहा है थोड़ा। अनुराग कश्यप जी, हम आपके बहुत फाइन है पता है आपको? हाँ, ये तो बहुत बड़ी फैन है आपका। फिल्म है वो गैंग द बसीपुर, इतनी बार देखे हैं, इतनी बार देखे हैं। शकल देख के ऑलमोस्ट मनोज वाजपेयी जैसा हो गया। इसका मतलब है फिर तो आपने किंग कॉन्ग बहुत बार देखी होगी। और हम बता दें आपको, उस फिल्म में मनोज वाजपेयी नहीं, हम नवाज जी का बहुत बड़ा फैन है उस पिक्चर में। सच में जब आप वो कहते हैं डायलॉग, बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा फैजल। इतना सुनो, बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला फैजल लेगा। फैजल का बदला कौन लेगा? अरे सबका बदला ले रहा है तो खुद का बदला नहीं ले सकता है क्या? ऐसा नहीं अनुराग जी, हम एक कहना चाहते हैं, एक रोमांटिक फिल्म बनाइए, उसके अंदर हम खूबसूरत हीरोइन को ले लीजिए, अभी साइन कर लीजिए। बाद में क्या होगा, हम लॉन्च हो गए तो फिर आपको डेट नहीं दे पाएंगे। नहीं नहीं रिंकू बाबू जी, क्या कह रहे हैं, रोमांटिक फिल्म कहाँ बनाते हैं? इनको तो अगर कहे तो कि कुछ कुछ होता है बनाइए, तो ये खच खच होता है बना दे। चक्कू चुरी बंदूक के बिना बातें नहीं करते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, हमारे भैया जो हैं वो रिंकू भौजी को लेकर एक बहुत बड़ी फिल्म प्लान कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो अपने बैनर के तले ही बना रहे हैं। कौन सी फिल्म? उसी के लिए आए हैं हम लोग। उसका फिल्म का नाम क्या है? लस्सी पी के लागलू सेक्सी नाम है। भोजपुरी फिल्म है, लस्सी पी के लागलू सेक्सी। उसके अंदर हम रहेंगे एक ब्यूटीफुल हीरोइन और हीरो रहेंगे नवाज। लस्सी पी के लागेलू दस्त। लस्सी पी के लागेलू दस्त। तुम्हारे घर का नहीं पी रहे हैं लागेलू, हम अपना बना के पियेंगे। नवाज जी, आप ऐसा कोई टेंशन ना लीजिए। देखिए, आप अभी तक जो फिल्म किए हैं, ज्यादातर आप सब ऐसे गांव, खेड़े, गली और चौल बॉल में शूटिंग किए हैं, लेकिन ये पिक्चर का जो गाना है वो सपने में हीरो हीरोइन विदेश जाते हैं। बजट है आपके पास? सपने में, सपने में पिक्चर काहे का बजट का कर रहे हो? सपने में गाना कर रहे हैं। अरे सपना तो लोगे, पब्लिक को तो दिखाओगे कि नहीं? हाँ तो क्या है, रिंकू भौजी के मुंह के अंदर कैमरा घुसेड़ देंगे, ऐसा घुमाएंगे, पर जिधर सपना आ रहा होगा उधर सारा शूटिंग हो जाएगा। थोड़ा तमीज से बात कर, घुसेड़ बिसेड़ क्या होता है? लगेगा तो तीन लोग बैठे हम नजर देते हैं, जिसने पहले भी पिक्चर बनाया है। लेकिन वो सेंसर बोर्ड ने उसके ऊपर वो क्या कहते हैं, मना कर दिया सेंसर बोर्ड। क्यों, आपके प्रॉब्लम क्या हुई? मतलब हमको समझ नहीं आया, वो पता नहीं बाद में कुछ बोले कि एक सीन से नहीं चलेगा, पूरा पिक्चर भेजिए तो ही सेंसर करेंगे।
बनाया था, वो पास नहीं किया, तो फिर हम बाकी का जो फिल्म है वो शूट करने के लिए यहाँ आए हैं, तो अब आए हैं तो हम सोच रहे हैं शूट कर लीजिए, और उसके भैया प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमने उनका एक शर्त माना है, वो है कि पिक्चर में 4 आइटम सॉन्ग रहेगा इसका। ना ना उसका चिंता आप मत कीजिए, आप शूटिंग कीजिए उनके साथ, जिधर जगह दिखेगा हम गाना घुसेड़ देंगे अपना। घुसेड़ देंगे। अच्छा डाल देंगे गाना डाल देंगे। आइए नवाज जी आप हीरो हैं, हम आपको स्टोरी समझा देते हैं, सीन वगैरह बता देते हैं, डरने का जरूरत नहीं है। इधर आइए। डर काहे रहे हैं, डर काहे रहे हैं, डरिए नहीं। अरे शर्म आ रही है। शर्म क्यों शर्माना, लो। नवाज भाई को ये सुन गई। शर्म भागा, भागा कि नहीं भागा? भागा। नहीं, डर रहे हो। अरे मरत तो हो, काहे डरना? सेम टू यू। पौना घंटा लगाए हैं, अभी भी सेम लग रहा है ये। रुके रुके सिंह, एक मिनट। हमारा गाना सीन है, सुहागरात का सीन है। हम ये घूंघट लिए हैं, आप घूंघट उठाते हैं और हमको देख के चौंक जाते हैं, ठीक है? उधर से आइए, जाइएगा नहीं, वापस आना है। क्या किया हम? शूटिंग करना है जाके, तो एक काम करते हैं, यहाँ से ले चलते हैं एक दो लोग। हाँ तो देखे थोड़ा आउटडोर शूटिंग करते हैं, आइए ना, आइए थोड़ा पिक्चर आइए। हाँ से चलिए, एक बार नवाज भाई और विक्की के लिए जोरदार ताली। नवाज भाई ओए हेलो, उठो, मिलने भी नहीं दे रहे, लेके जा रहे। नवाज भाई, विक्की, अनुराग भाई, अभी एक एक सेल्फी हम लेते हैं हमेशा ही। नवाज भाई थैंक यू सो मच, आप आए, पर इसका अफसोस भी आप गलत हाथों में पड़ गए। थैंक यू विक्की एंड गुड लक फॉर रमन राघव। थैंक यू सर। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट न्यू कपिल शर्मा एंड अदर फन शो वीडियो अपडेट्स।